जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस समय मौत से जंग लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि राजू श्रीवास्तव का ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन अब खबर आ रही है कि धीरे धीरे उनके स्थिति में सुधार आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ब्रेन डेड क्या होता है और ब्रेन डेड होने पर शरीर के कौन कौन से भाग काम करता है और शरीर के कौन कौन से भाग काम नहीं करता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ब्रेन डेड में दिमाग के कौन से भाग को अधिक प्रभावित करता है और ब्रेन डेड होने वाले मरीज जो होता है उनकी जीने की कितना चांसेज रहती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रेन डेड की स्थिति होती क्या है। तो दोस्तों ब्रेन डेड एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग काम करना बंद कर देता है और ऐसे होने पर दिमाग किसी भी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, जिससे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होती है, हाथ नहीं हिलता है, पैर नहीं हिलता है, आंख की पुतलियां तक भी नहीं हिलती है, ये सभी मूवमेंट नहीं होता है, यहाँ तक कि उस मरीज का सांस भी नहीं चलता है। अब कहोगे कि सांस नहीं चलता है तो वो तो मर जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। उस मरीज को वेंटिलेटर से कनेक्ट किया जाता है और वेंटिलेटर के द्वारा उसे सांस आता जाता है, जिससे वो जीवित रहता है। यानी ब्रेन डेड होने के बाद उसकी सारी कामें करती है, इंटरनल जो पार्ट होती है जैसे किडनी उसकी काम करती है, लीवर काम करती है, हार्ट काम करती है, ये सभी अंदर की जो सिस्टम होती है काम करती है, सांस काम नहीं करता है, बाहर के मूवमेंट काम नहीं करता है, जैसे हाथ हिलाना, पांव हिलाना, आंख की पुतलियां हिलाना, ये सभी काम नहीं करता है। और ब्रेन डेड वाले मरीजों पर किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता है। जिस मरीज का भी ब्रेन डेड हो गया है उसे कितना ही मारिएगा पिटिएगा उसको दर्द का एहसास ही नहीं होता है। ब्रेन डेड के मरीज के जो दिमाग का बीच का जो हिस्सा होता है ना वहां पर अधिक प्रभावित करता है और ये दिमाग की ऐसी हिस्सा होती है जो शरीर के विभिन्न भागों में संकेत को पहुंचाती है और जिसके द्वारा शरीर के क्रियाओं का संचालन होता है। यानी कहाँ पे कोई चींटी काटी है, कहाँ पे कट गया है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, ये सभी संकेत दिमाग के मध्य भागों से ही सूचित पहुँचाया जाता है और उसी को ये प्रभावित कर देता है, उसी को काम करना बंद कर देता है। और शरीर के विभिन्न भागों में जो सूचना का आदान प्रदान करता है वो न्यूरॉन होता है, यानी न्यूरॉन पर ही ये इफेक्ट डालता है, न्यूरॉन को ही काम करने में एक असमर्थ कर देता है, न्यूरॉन अपना काम ही नहीं कर पाता, जिसके वजह से शरीर के विभिन्न भागों तक संकेत नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो क्रिया नहीं कर पाता है। डॉक्टरों का कहना है कि वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ब्रेन डेड हुआ है। अलग अलग कंडीशन में अगर ब्रेन डेड हुआ है तो उसमें चांसेस अधिक होती है जीने की। अगर कहा गया है डॉक्टरों के द्वारा कि अगर किसी का ब्रेन डेड दवा लेने पर हुआ है तो उसकी रिकवरी होने की अधिक चांसेस होती है, वही किसी का अगर ब्रेन डेड पॉइजन लेने से हुआ है तो उसकी रिकवरी होने की चांसेस भी रहती है, सांप काटने से अगर ब्रेन डेड हो गया है तो उसकी भी रिकवरी होने की चांसेस अधिक होती है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है अगर उस कंडीशन में किसी मरीज का ब्रेन डेड हुआ है तो उसमें रिकवरी करना बहुत ही कम चांसेस होता है। जैसे अगर किसी को बहुत ही गंभीर सर पे चोट लग गई है, अगर उस कंडीशन में उसका ब्रेन डेड हो गया है तो उसकी रिकवरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक्सीडेंट में अगर उसे चोट लगी है या ब्लड अधिक मात्रा में उसके शरीर से बह गया है या सिर से बह गया है, खून निकल गया है, तो इस सब कंडीशन में जो ब्रेन डेड होता है उसमें रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत कम चांस में ये लोग जी पाते हैं। तो डॉक्टरों का कहना है कि किस तरह का ब्रेन डेड हुआ है वो निर्भर करता है और उसके अकॉर्डिंग ही आदमी के जीने की चांसेस बनती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेन डेड क्या होता है और इसमें शरीर के कौन कौन से पार्ट काम करते हैं और इसमें जीने की कितना चांसेज होती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।